Hello children, namaste, how are you? Fit and fine as usual na? आज हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसमें अ हैप्पी चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, आप सब में से कोई भी या आप सब, ठीक है? तो वो बच्चा अपने बारे में बता रहा है ना? यहाँ पे पिक्चर में, इस लेसन में आपको मिलेगा एक गर्ल चाइल्ड, है ना? वो स्विंगिंग कर रही है, अभी आप आगे देखेंगे उसमें। तो उसमें वो बच्चा जो है, वो जो बच्ची एक्चुअली है, वो बता रही है कि वो कितनी खुश है ना? आप सब भी खुश रहते हैं ना? तो वैसे ही यहाँ पे हमको उस खुश बच्चे के बारे में जो पोएम है वो पढ़ना है। पहले हम इसको गा लेते, देखो कैसा मज़ा आएगा, आप मेरे साथ गाना, ठीक है? My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. Come on, sing with me. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. Come on. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. मजा आया ना? तो इस तरह से आप बाद में और पढ़ने की प्रैक्टिस करना, ठीक है? अब हम इसको समझते कि बच्ची जो है वो क्या बता रही है आपको। My house is red, आपको पता है red यानी लाल, my house यानी वो अपने घर के बारे में बता रही है। A little house, little यानी छोटा सा घर, वो कहती है कि मेरा एक छोटा सा घर है और वो रेड कलर से पेंटेड है। A happy child am I, child यानी बच्चा, है ना, लड़की या लड़का जो भी, happy यानी खुश। तो हैप्पी वर्ड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बताया गया है कि हैप्पी यानी खुश रहना। तो बच्ची कहती है कि मैं अपने छोटे से घर में रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई लाफ एंड प्ले, बोलती मैं बहुत खुश हूँ। लाफ यानी हंसना, प्ले यानी खेलना, है ना? तो होल डे लॉन्ग, होल डे यानी पूरा सारा दिन, ठीक है? वो कहती है कि मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, यानी हंसना और खेलना निशानी है कि आप खुश हैं, है ना? आप देखो स्विंगिंग कर रही है और मज़े में है, ठीक है? द होल डे लॉन्ग यानी पूरा सारा दिन वो हंसती खेलती और खुश रहती है। आई हार्डली एवर क्राई, एवर यानी अक्स हमेशा, हार्डली यानी मुश्किल से, क्राई यानी रोना। वो कहती है कि मुझे रोना आता ही नहीं, मैं बहुत मुश्किल से या बहुत कुछ होगा यानी ऐसा हर्ट करने वाला तो रोती, अदरवाइज मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, ठीक है? और ऐसे ही हम सबको भी होना चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, ट्री यानी वृक्ष, कहती है कि मेरे घर में एक वृक्ष है और उसका हरा है रंग, ग्रीन यानी हरा रंग, क्योंकि पेड़ के पत्ते आपको पता है ना कि हरे होते, तो इससे पूरी हरियाली है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, अब यहाँ पे देखो शेड का मतलब छाया देना, पेड़ छाया देते हैं आपको मालूम है ना, फ्रॉम द सन, और किस चीज़ से बचाते हैं, सन यानी सूर्य की रोशनी, उससे वो मेरी रक्षा करते हैं, मुझे छाया देते हैं, ऐसा वो बच्ची आपको बता रही है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग जानना है, अंडर यानी नीचे, यहाँ पे पेड़ के नीचे, ऑफन अक्सर, ठीक है, सिट यानी बैठना। और वो कहती है कि इस पेड़ के नीचे मैं अक्सर बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पे हरियाली में, ठंडकता में अच्छा लगता है। When all my play is done, और कब मैं बैठना पसंद करती हूँ, all my play यानी पूरा मैं खेल चुकती हूँ,
तो मैं रेस्ट करने के लिए, डन यानी हो जाने के बाद, खेल खेल लेने के बाद मैं इस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना दिन बड़ी खुशी से बिताती हूँ। आया समझ में आप सबको? आ गया, ठीक है। अब हम इसमें न्यू वर्ड्स देखते हैं, है ना। जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अनोन वर्ड्स होते हैं जिनका हमको मीनिंग पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है होल। होल यानी मतलब दो तरह का प्रोनंसिएशन, इसका प्रोनंसिएशन होल और होल दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग होती है ना। ये आपका यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ एल ई है, होल यानी सारा का सारा, पूरा। और एच ओ एल ई यदि हम बोलते हैं होल यानी गड्ढा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लिए नया वर्ड है। हार्डली यानी मुश्किल से, एवर यानी हमेशा, शेड यानी छाया, है ना, पेड़ की छाया जो बताया आपको, ऑफिन यानी अक्सर, ठीक है। अब रीड एंड राइट, इसमें आपको देखना है द हैप्पी चाइल्ड लिव्स इन अ लिटिल डैश हाउस। तो आपको यहाँ गैप में फिल करना है, है ना। पढ़ने के बाद जो समझ में आ गया आपको फिल करना है, तो आप सोच के रखो, अपन इसको फिर मिलाएंगे। सेकंड है शी लाफ्स एंड डैश द होल डे लॉन्ग, ठीक है। ये भी पोयम की लाइन है, आपको अभी समझाया, ठीक है। नंबर थ्री, द ग्रीन ट्री शेड्स हर फ्रॉम द डैश, समझ में आ गया होगा, चलो बताओ। तो द हैप्पी चाइल्ड लिव्स इन अ लिटिल रेड हाउस, छोटे से लाल रंग के पेंटेड घर में वो बच्ची रहती है, ठीक है। शी लव्स एंड प्लेस द होल डे लॉन्ग, है ना, वो हंसती है और खेलती है, प्लेज, ठीक है। नंबर थ्री, द ग्रीन ट्री शेड्स हर फ्रॉम द सन, सूर्य की तेज किरणों से वो उसको छाया देती है, बचाती है। आया समझ में? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ, आप सोच के रखना आपके आंसर्स क्या है, ठीक है। द हैप्पी चाइल्ड ऑलवेज क्राइज, ठीक है। शी प्लेज द होल डे, देयर इज नो शेड अंडर द ग्रीन ट्री, द हैप्पी चाइल्ड लाइक्स टू सिट अंडर द ट्री, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या वो हैप्पी चाइल्ड हमेशा रोता रहता है? नहीं ना, हैप्पी का तो मतलब ही खुश होता है, दिस वाई ये रॉन्ग है, क्रॉस यहाँ पे मार्क किया। फिर है शी प्लेज द होल डे, वो सारा दिन खेलती है, सही है ना, टिक किया। देयर इज नो शेड अंडर द ग्रीन ट्री, उस हरियाली वाले पेड़ के नीचे कोई छाया नहीं है, नहीं है क्या, छाया तो होगी ना, इसलिए ये रॉन्ग है, क्रॉस किया। द हैप्पी चाइल्ड लाइक्स टू सिट अंडर द ट्री, और वो खुश बच्ची पेड़ की छाया के नीचे बैठती है, पसंद करती है बैठना, लाइक से नहीं पसंद करना, सही है ना। तो यहाँ पे भी टिक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। वर्ड्स दिए हुए हैं देखो, ठीक है। द चाइल्ड इज डैश हैप्पी सैड, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में चूज करके आपको फिल करना है। आई डैश एंड प्ले लाफ क्राई, आई हैव अ डैश ट्री ग्रीन लिटिल, आई सिट अंडर द ट्री व्हेन माय प्ले डैश इज डन बिगिंस। सोच लिए अपने आंसर्स, चलो बताओ। तो द चाइल्ड इज हैप्पी, आई लाफ एंड प्ले, आई हैव अ ग्रीन ट्री, आई सिट अंडर द ट्री व्हेन माय प्ले इज डन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स। सर्कल यानी उसमें गोला लगाना है। नेमिंग वर्ड्स यू नो, नाउन्स मालूम है ना, नाउन्स क्या होते हैं, ये नाउन्स होते हैं, नेम्स, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। तो इस पोएम में आप देखो, मैं फिर से एक बार रिसाइट करती हूँ, इसमें कौन कौन से नाउन हैं आपको सर्कल करना है फाइंड आउट करके, ठीक है।
My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. अब आपने ढूंढ लिया होगा, देखो जहां जहां पे आपको नेम्स दिख रहे हैं, करेक्ट है ना? जैसे हाउस, चाइल्ड, डे, ट्री, सन, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके आपको प्लूरल फॉर्म्स मालूम है ना? प्लूरल क्या होते हैं? यानी सिंगुलर इज सिंगल एंड मोर देन वन, मोर देन सिंगल इज प्लूरल, है ना? एक जो है वो सिंगल होता है, सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज़्यादा होने पे उसको प्लूरल कहते हैं, ठीक है, बहुवचन. तो अब ये जो आपको फोर वर्ड्स दिए हुए हैं इनके प्लूरल आपको लिखना है. तो हाउस, चाइल्ड, डे एंड ट्री, इसके प्लूरल आपको बनाने हैं. चलिए बताइए फटाफट. हाउस में क्या लगाया आपने? एस लगाया ना, हाउसेज हो गए. चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है मालूम है आपको, तो स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन, ठीक है. डे में सिंपली एस लगा देने पे डेज हो जाता है, और ट्री में भी एस लगाने से ट्रीज हो गया. ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं होमवर्क देते हैं आपको, उसको आपको करना है. क्या करना है? सेपरेट द वर्ड्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स. काउंटेबल यानी जो नाउंस जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, है ना? तो लिस्ट में जो वर्ड्स दिए हुए उनको देखो. टीथ यानी दांत, लीव्स पत्ते, रोजेज यानी गुलाब, हेयर यानी आपके बाल, मैंगोज आम, वाटर यानी पानी. अब आप इसमें देखो आप किसको काउंट कर सकते हो, किसको काउंट नहीं कर सकते हो. दो कॉलम बना करके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस में आप इसको डिवाइड करेंगे, कर लेंगे ना? तो पूरा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टिल देन.